दरअसल जिसने संकल्प के ईमेल आईडी से ये सब कुछ किया है, ये हमारे कंपनी का ये आदमी है और इस वक्त वो साइबर क्राइम सेल इंस्पेक्टर मिस्टर गुलाटी के सामने खड़ा है। अगर आप चाहते हैं ना कि मैं घर लौट के ना आऊं, मैं नहीं आऊंगी। माँ बाप ने इस घर को हेल बना के रखा है। विभा बता रही थी कि निशा घर छोड़ के भाग गई है। उस घर में ज्यादा इन्वॉल्व मत हो क्योंकि नेतृत्व जैसे इंसान किसी के नहीं होते हैं। मालिनी ने जिस इंसान को मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया था, आज वो उसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। पता नहीं मालिनी इस बात को रियलाइज कर रही है, समझ रही है या नहीं। उसको हमारी जिंदगी के साथ जो भी खेलना था वो खेल चुकी है। एक बात समझ में नहीं आती कि ये सब जो हम भुगत रहे हैं, जो हो रहा है, वो क्या सिर्फ मालिनी के किए की वजह से भुगत रहे हैं या खुद अपने किए की वजह से। क्या हुआ माँ, यहाँ क्यों आ गए? मैं भूषण जी के फोन का इंतजार कर रही हूँ। अभी उनका कॉल आया था, हम लोग जस्ट अभी साइबर क्राइम ऑफिस से निकले। और कुछ बताया उन्होंने? नहीं, एक्चुअली अभी भी इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है। लोकल पुलिस इंचार्ज को भी बुलाया गया है। देखना अब जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया ना तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। वहीं खड़े रहो। तुम्हारी मां मदर इंडिया नहीं है तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम्हें कुछ भी करने की छूट मिल जाएगी। तुम्हारे पेरेंट्स आपस में लड़ते हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी करोगी। तुम्हारी मां तो दूसरों का घर तोड़ने में अपने संस्कार तक भूल गई है। घर से भागकर साबित क्या करना चाहते हो तुम? बोलो। मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, मुझे जवाब चाहिए मेरी बातों का। ये क्या कर रहे हो तुम? ये मेरी बेटी है। तुम्हारे नजायज प्यार की निशानी नहीं है। जिसके साथ तुम जो चाहे वो कर सकते हो। माली!
में एक बात याद रखना, तुम अपनी हरकतों से मुझे जानवर बनाने पे तुली हुई हो, कहीं ऐसा ना मेरे हाथों से कुछ नष्ट हो जाए। पूछो अपनी बेटी से, कहां गई थी ये घर छोड़कर, किसके साथ जा रही थी, क्यों जा रही थी, पूछो इससे। अरे कहां से ला रहा हूं तुम्हारी बेटी को मैं, पूछो इससे, नेतृत्व के साथ कहां जा रही थी ये। जिस सांप को तुमने दूसरों की जिंदगी में जहर भरने के लिए पाला था, वो अब तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने जा रहा है। एक बात याद रखना मान, तुम्हारी नफरत प्रभा की जिंदगी को बर्बाद नहीं कर सकती। अरे उसका व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा है, उसका साथ देने के लिए जो भी लोग उसके साथ है ना, वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। अरे तुम्हारे लिए तो कोई भी नहीं है, तुम्हारी ये बेटियां भी नहीं है, पूछो इनसे। अपने पति को तो तुमने किसी काबिल भी नहीं छोड़ा, अभी भी वक्त है, वक्त है, अभी भी मान ले, सुधर जाओ। अगर लेक्चर का सेशन खत्म हो गया हो तो अब तुम चुप हो जाओ, क्योंकि मैं मेरी बेटियों का ख्याल रख सकती हूं। और जहां तक पति की बात है, तुम्हारे जैसे पति, एक काम कर, इस रिश्ते को ढूंढने के लिए ना तुम आईना देख लो। और अगर ये मेरी लड़कियां मेरे खिलाफ है ना, तो इसकी वजह सिर्फ तुम हो अस्थि जी, तुम। और हाँ, आइंदा अपना ही गुस्सा नहीं कहीं और दिखा। और एक और बात, ये हाथ जो तुम्हारा उठा था ना, तीसरी बार, ये आखिरी बार होना चाहिए, वरना संकल्प के साथ साथ तुम भी अपने आप को देखो जेल में। ब्लेम मत कीजिए प्लीज, मालिनी आंटी की जब तक रंजिश चलेगी तब तक उनके घर का माहौल भी ठीक नहीं रहेगा। निशा आज वापस तो आ गई है, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका पूरा परिवार बिखर जाएगा।
पता नहीं वालने की दुश्मनी कब तक चलेगी हम लोगों के साथ। अवस्थी जी बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं, मुझे एहसास है कि वो अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। माँ आप एक दिन बता रही थी कि मालिनी आंटी ने आप पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ एहसान तो किया था बहुत बड़ा, लेकिन उसके बदले में कुछ मांगा भी था मालिनी ने। उस वक्त मुझे समझ में नहीं आया वो क्या है, और आज जो कुछ भी हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। ऐसा क्या एहसान किया था उन्होंने? अभी आप और कुछ देर नहीं आते तो मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। हम देर से तो आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। दरअसल बात यह है कि नेतृत्व का भांडा फूट चुका है। जी हां, हैकर्स ने और पॉल ने गवाही दी है कि ये सारा प्लान सारा किया धराया नेतृत्व का था। बस अब मालिनी जी जितनी चाहे कोशिश कर ले उसे छुड़ा नहीं सकती। अब रही बात संकल्प की, तो बस कुछ ही घंटों में संकल्प घर आता ही होगा। अगर आप लोग चाहे तो उसके स्वागत की तैयारी कर सकते हैं। पहले आप तो मम्मी ठगी जी। श्यामली। हाँ हाँ क्यों नहीं, आप ना एक्स्ट्रा स्पून शक्कर के साथ एक कड़क कॉफी बनाइए। बस जी मैं अभी लाई। आप बैठिए ना जी। आप संकल्प से मिले थे, कैसे हैं वो, कुछ कह रहे थे वो? बात यह कि मैं संकल्प से ही मिलने गया था इसीलिए मुझे थोड़ी सी देर हो गई। संकल्प दरअसल मालिनी जी से मिलने जा रहे थे, इसी मसले को लेकर बातचीत करने, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मसला बातचीत करने से हल होगा। पर ठीक है कोशिश कर रहे हैं तो। वैसे एक बात अच्छी है, नेतृत्व अब जब जेल जाएगा तो अकेला होगा, तन्हा होगा, और मालिनी जी जितनी चाहे कोशिश कर ले उसे छुड़ा नहीं पाएगी। अब अगर श्यामली के डिवोर्स की बात की जाए तो इस वक्त हमारा पक्ष स्ट्रांग हो जाएगा। अब थैंक यू। आपने एक चम्मच शक्कर एक्स्ट्रा डाली है ना? एक एक्स्ट्रा चम्मच चीनी सच में डालनी थी? आपने डाली है ना? हाँ तो मैंने मांगी थी। वाह बहुत अच्छी कॉफी बनाती है आप। थैंक यू। बहुत कुछ बाकी है विभा जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो वो आप मुझे क्यों बताना चाहती हैं?
क्योंकि आजकल तुम अपने बाप के साथ जिस औरत के घर रोज रोज जाती हो ना, उस औरत ने मेरे और मेरे रिश्तों के बीच में जहर घोल दिया है। माँ, आप उस औरत पे इल्जाम लगा रही हैं जो आपको और पापा को 17 साल पहले छोड़ के जा चुकी है। लेकिन आपकी नफरत ने उसे कभी दूर जाने ही नहीं दिया। देखिए, ये काम बहुत सिंपल है, और प्लीज आप मुझे एक ऐसे पर्सन से कांटेक्ट कराइए जिसका संबंध साइबर क्राइम सेल से हो। नो, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दे सकती, ये काम आज ही हो जाना चाहिए। मालिनी, कीमत तो मैं चुका ही दूंगी, मेरे पास बहुत कुछ है भी कीमत चुकाने के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे दिए गए हर दर्द की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी, और उस दिन तुम्हारे हाथ भी खाली होंगे और तुम्हारा दिल भी। और हाँ, तुम्हारी नफरत मुझे कभी कमजोर नहीं बना सकती, और ना ही मेरे औरत होने के गुरूर मुझसे कभी छीन सकती है। जी, तुम कल प्रभा के घर गई थी? हाँ। क्यों? मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की जरूरत है। लेकिन मेरा जानना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा जानना जरूरी है तो मैं बता देता हूं। जी अवस्थी जी, बताइए। विभा, तुम जाओ। तुम यहीं रुकोगी? तुम्हें तुम्हारे बाप के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें उनकी एक बात बताना चाहती हूँ। हाँ बाप, मुझे क्या बताना चाहती है? मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और जानने की जरूरत है, और वैसे भी आप दोनों की रोज रोज की बहस ने ना मुझे सब कुछ बता दिया। इनफैक्ट ना आपके पास और ना पापा के पास अब कुछ और बताने को बचा है। बहुत कुछ बाकी है विभा, जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो वो आप मुझे क्यों बताना चाहती हैं? क्योंकि आजकल तुम अपने बाप के साथ जिस औरत के घर रोज रोज जाती हो ना, उस औरत ने मेरे और मेरे रिश्तों के बीच में जहर घोल दिया है। माँ, आप उस औरत पे इल्जाम लगा रही हैं जो आपको और पापा को 17 साल पहले छोड़ के जा चुकी है।
घिनाप की नफरत ने उसे कभी दूर जाने ही नहीं दिया। पर ये नफरत मेरे अंदर कहां से आई? ये कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है जिसे मैं रोज रोज अपने घर में खरीद कर लेकर आ रही हूँ, समझे तुम? पापा, आप थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर कहीं चले जाइए ना, या फिर मम्मी को कहीं बाहर भेज दीजिए। और अगर आप दोनों नहीं जा सकते तो हम लोगों को कहीं भेज दीजिए। थोड़े दिनों के लिए घर से बाहर कहीं चले जाइए ना, या फिर मम्मी को कहीं बाहर भेज दीजिए। और अगर आप दोनों नहीं जा सकते तो हम लोगों को कहीं भेज दीजिए। कहां से आ रही हो? आप ही ने तो भेजा था। मैंने भेजा था? हाँ, पापा पे नजर रखने के लिए, लेकिन वो तो वहां आए नहीं। ठीक है, अब जाओ यहां से। और ऐसे घूर क्यों रही हो? जाकर मेरे लिए कॉफी बनाकर लेकर आ। तुम्हारे, मेरे या तुम्हारी मां के चले जाने से सब ठीक होगा, ऐसा लगता है तुम्हें? आप दोनों के साथ रहने से भी क्या ठीक हो रहा है पापा? मैंने तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश की। हवा में उड़ती परछाई को पकड़ने की कोशिश आप क्यों कर रहे हैं पापा? प्लीज इस सिलसिले को यही बंद कर दीजिए। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रीशियस है। आप दोनों उसे ऐसे ही गवा रहे हैं बस एक दूसरे को ये जताने में कि कौन सही है और कौन गलत। तुम्हारी माँ ने कभी मुझे ये मौका ही नहीं दिया कि मैं फील कर सकूं कि उसकी जिंदगी में मेरी भी कुछ इंपॉर्टेंस है। अगर ऐसा होता पापा तो कब का आपको छोड़ के चली गई होती? 17 सालों से वो आपके साथ झगड़ा नहीं कर रही होती। उसको अपनी नफरत जीनी थी, इसीलिए उसको मेरी जरूरत है। संकल्प के नॉवल के पन्ने भले तुम ना पढ़ पाई हो, लेकिन संकल्प को कुछ ज्यादा ही समझने लगी हो। नहीं, प्यार करती हो ना उन्हें?